स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th आईसीएसई का बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है सेल, उसका लेक्चर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें आप पार्ट्स ऑफ सेल, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और चीफ फंक्शन के बारे में पढ़ोगे। कुछ पार्ट्स ऑफ सेल हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, जैसे कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में है। अब आगे है माइटोकॉन्ड्रिया, वेरियस शेप्स बट यूजुअली सॉसेज लाइक। इसके अलग अलग शेप्स होती हैं, बट मेनली ये क्या होता है, सॉसेज की तरह दिखाई देता है। डबल वॉल्ड होता है और इसकी इनर वाली वॉल में बहुत सारे फोल्ड होते हैं। हैव देयर ओन डीएनए कंटेनिंग सेवरल जीन, इनका अपना ही डीएनए होता है जिसमें अलग अलग तरह के जीन्स पाए जाते हैं। और कंटेन देयर ओन राइबोसोम्स, और इनके अपने ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, एनर्जी रिलीज करना एटीपी की फॉर्म में, और सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम बनाना, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो बनाना, उनको सिंथेसाइज करना, वो इनका काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट है आपके पास गोल्गी एपरेटस, ये क्या होते हैं, स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स, मतलब स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड। स्टैक्स मतलब क्या होता है, जैसे आप एक के ऊपर एक कॉइन बनाते हो तो इस तरीके से बड़ी सी कॉइन एक के ऊपर एक जब रखोगे तो स्टैक बनता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, फ्लैट मेम्ब्रेन्स के सैक्स होते हैं जिनको ऐसे स्टैक बना के ऊपर तक भरा जाता है। कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स, इनमें क्या होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेसिकल्स और वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम को सिंथेसिस करना और उनको सिक्रीट करना हार्मोन्स को साथ में, और इनका काम होता है स्पर्म की फॉर्मेशन बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। उसके बाद आता है राइबोसोम, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, पहले भी पढ़ा था। स्मॉल ग्रेन्यूल्स आइदर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द आउटसाइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये या तो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो आउटर लेयर होती है उसके साथ अटैच्ड होते हैं। सिंगल वॉल के होते हैं, डेंस होते हैं, स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, जो मेनली क्या होते हैं, आरएनए की बनी हुई होती हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। काम क्या होता है इनका, चीफ फंक्शन है इनका प्रोटीन सिंथेसाइज करना। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स, मेम्ब्रेनस सैक्स बर्डेड फ्रॉम गोल्गी बॉडीज, ये क्या होता है, मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं, थैले से होते हैं, जो कि क्या होते हैं, गोल्गी बॉडी से बने होते हैं। कंटेन 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, इनमें 40 अलग अलग तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये क्या होता है, सेल के जो सेल में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस, अगर कोई अनवांटेड बैक्टीरिया या फिर कोई अनदर सब्सटेंस एंटर हो जाए तो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। व्हेन सेल इज ओल्ड और इंजर्ड दीज रैपिडली डिस्ट्रॉय ऑर्गेनल्स, अगर सेल क्या होता है ओल्ड और खराब हो जाता है तो ये ऑर्गेनल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डाइजेस्ट कार्टिलेजेस, और ये कार्टिलेजेस को डाइजेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो टेबल्स आपको समझाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे वन वर्ड क्वेश्चन भी बन के आता है। दूसरा, सेल के बारे में अगर आपको डीपली एक एक इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप क्या इनके क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। नेक्स्ट है आपके पास सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होता है, अ रीजन अराउंडिंग सराउंडिंग द सेंट्रियोल लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, ये क्या होता है, सेंट्रियोल के आसपास का रीजन जो कि क्या होता है न्यूक्लियस के पास होता है। कंटेन वन और टू सेंट्रियोल्स, इसमें एक या एक से ज्यादा सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाय रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स टू फॉर्म अ स्टार ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेंट्रियोल्स के आसपास क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, स्टार एस्टर बनाते हैं सेल डिवीजन के दौरान, जब सेल क्या होता है डिवाइडिंग स्टेज में होता है। इसका चीफ फंक्शन क्या है, इनिशिएट एंड रेगुलेटिंग सेल डिवीजन, ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं और उसको आगे रेगुलेट करते हैं। फॉर्म स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, जब सेल डिवीजन होती है तो स्पिंडल शेप के फाइबर्स बनाते हैं। उसके बाद है प्लास्टिड, प्लास्टिड आपने पहले भी पढ़ा था, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। सेवरल काइंड मोस्ट कॉमन वंस आर क्लोरोप्लास्ट, ये अलग अलग तरह के होते हैं जिनमें से कॉमन है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये पीछे पढ़ा था। डबल मेम्ब्रेन के होते हैं प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स, इनमें प्रोटीन से भरा हुआ मैट्रिक्स पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इनमें क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको थाइलोकॉइड्स कहते हैं, और थाइलोकॉइड्स में ही क्लोरोफिल पाया जाता है।
आगे है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है प्लास्टिक का पार्ट, इसका काम होता है इम्पार्ट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। फ्लावर और फ्रूट्स को क्या कलर प्रोवाइड करना, जैसे जेंथोफिल, ऑरेंज, रेड, वो सब आपने पीछे पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना ताकि जो लीव्स हैं वो अपना खाना बना सकें। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, और जो इनका अदर हिस्सा है ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या होता है कलरलेस होता है और इसका काम होता है स्टार्च को स्टोर करना। और ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है, पोटैटो में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, बहुत लॉट्स ऑफ अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये सेल का। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, ये सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनल है, मोस्टली स्फेरिकल एंड डेंस, जो कि स्फेरिकल होती है और डेंस होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद पोरस पोर्स टू अलाउ सब्सटेंस टू एंटर एंड लीव। न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसमें पोर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर भी आते हैं और बाहर भी जाते हैं। कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल क्रोमेटिन फाइबर विच कंटेन डीएनए। इनमें क्या होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्रोमेटिन फाइबर्स कहा जाता है, और क्रोमेटिन फाइबर में होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, रेगुलेट सेल फंक्शन, सेल का जो फंक्शन होता है उनको रेगुलेट करता है। इफ रिमूव्ड सेल डाइज, अगर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस में क्या होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम्स के पास क्या होते हैं जीन्स होते हैं जो कि क्या हेरिडिटी यूनिट्स हैं, मतलब वो डिसाइड करते हैं किस तरह के करेक्टरिस्टिक पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होने हैं।